मेरे हाथ के दही बड़ों का स्वाद तुम कभी नहीं भूलोगे राम। क्या बकवास है ये? इससे अच्छा है मैं कचरा खा लूं। ये दही बड़े तो बहुत पसंद थे तुम्हें। किसे पसंद है? वो मारे बेंद को। तुम्हारे पति को या किसी और को? बताओ ना, यहां भी कोई ऐसा है या था जिसे ये दही बड़े पसंद हो? वो अब वो क्या? अरे इतना रो क्यों रही हो? जी व्हाट आर नॉट कोई मुंह ना खुलवाए मारो। गोरी मैम कटे वा गोरी मैम ने पहले तो मारा स्वाद छीन लियो और अब बार बच्चे मैं घर में आई तो अगला मार से सारे नफरत करने लग रहे हो। आप बताओ क्या करूं मैं? कटे जाऊं? Now what? Oh my God! थे मार दियो मने, मार दो, थे मार दो, बताओ भाई। अरे वो चुप करो ना इसको। काली, देवकी। किसी ने कुछ कहा है तुमसे? तुमने रुलाया है इसे? सॉरी बोलो। घर की नौकरानी को और मैं सॉरी बोलूं? इट्स ओके। सॉरी बोलो विवियन, सॉरी बोलो, वरना मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगी हमेशा के लिए। सॉरी। काली, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अब ते सब लोग मिलके मने चार बातें सुनाओगे तुम्हारी भी तो आंखें हमें से दो आंसू टपक जाएंगे ना। दो आंसू? कल से रो रो के पूरे घर में सुनामी उठाई तुमने, है कौन से बाहर? सोगे, प्लीज रोना मत। हाँ, ये मेरी नजर बट्टू है, मुझे इसे यही रखना है, तो आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसे टॉलरेट करने की आदत डाल लीजिए। दही बड़ों से तुम्हें मेरी याद नहीं आई तो कोई बात नहीं, एक और चीज है मेरे पास जिससे डेफिनेटली तुम्हें कुछ ना कुछ याद जरूर आएगा। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे पता लगाना ही होगा। सिया, कल से तुम्हारा फोन भी बंद है, कोई जवाब भी नहीं आ रहा है तुम्हारा, मैं क्या करूं? कैसे सिया तक पहुंचूं? सिया जवाब तो सी। कहां जा रहे हो वनराज? महल जा रहा हूं सिया से मिलने, कोई जवाब नहीं आ रहा है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं फोन कर लेंगे। पर मैं सिया के फोन का इंतजार नहीं कर सकता बाबा। करना पड़ेगा, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा वनराज, क्योंकि ये उनकी खुद की लड़ाई है जो उन्हें खुद लड़नी होगी। तुम मगर वहां गए, तुम्हारे साथ साथ उनके भी पकड़े जाने का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। और अगर सिया को कुछ हो गया तो? मुझे जानना है कि सिया ठीक है या नहीं। मैंने तुम्हें हजार बार समझाया, वो सिया नहीं, वो कुबरानिसा है, और इस वक्त
वो अपने घर पर है अपने पति के साथ, जिन्हें वो बहुत प्यार करती है, और ये सब कुछ उनके लिए कर रही है। रिश्तों की मर्यादाओं को समझो वनराज। कुछ दायरे ऐसे भी होते हैं जो कभी भी किसी भी कीमत पर लांघे नहीं जा सकते। तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम है राम, इस परफ्यूम के अलावा आज तक तुमने मुझे कोई दूसरा परफ्यूम लगाने नहीं दिया। I'm sure इसकी खुशबू से तुम्हें अपनी सिया के बारे में कुछ ना कुछ याद जरूर आ जाएगा। ये परफ्यूम तो ये खुशबू कैसी? Oh, I'm so sorry, Moya. I'm so sorry. ये खुशबू सुन सकती हो तुम? नहीं, I'm so sorry. वो सुबह से मुझे जुकाम हो गया है, मेरी नाक बंद है, मुझे कोई स्मेल नहीं आ रही। अच्छा डीके, what the happened babes? इतना क्यों चिल्ला रही हो? अरे गले में स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। डीके, तुम ये खुशबू सूंघ सकती हो? वाव, नाइस परफ्यूम, ये कब लिया तुमने? डीके, ये मेरी परफ्यूम नहीं है, ये सौतन की खुशबू है। ये खुशबू मैं नहीं भूल सकती, पर ये खुशबू आज लगाई किसने है? You don't know English? Are you kidding me? Mohini, Mads becoming the... Oh yeah, I agree. तुम्हें पता है ना ये मेरा कमरा है। यहाँ कैसे आई तुम? आपने नाश्ता नहीं किया था ना, तो आपके लिए फल लेकर आई थी। रखो जाओ यहाँ से। क्या करूं, ये परफ्यूम कैसे सुंघाऊं राम को? वो तो नशे में धुत है,
उसके और पास जाती हूँ। ये स्मेल कैसी है? इतर है। अच्छा है ना? अच्छा है। अभी बता तो तुम्हें अच्छा क्या है? मुझे पता है तुम्हारे लिए परफेक्ट परफ्यूम क्या होगा। लगाने का बड़ा शौक है ना तुम्हें? आज तुम्हें एक ऐसा खुशबूदार इत्र लगा रहा हूं कि तुम्हारे अंदर से सिर्फ एक नशीली महक आएगी। राना, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी नजर बट्टू में गटर की बदबू आ रही थी, थोड़ा खुशबूदार बना रहा था। ये परफ्यूम तुमने लगाई है? अभी बता तो तुम्हें अच्छा क्या है? मुझे पता है तुम्हारे लिए परफेक्ट परफ्यूम क्या होगा। काली, क्या वो परफ्यूम तुमने लगाई है? मन्नी, इतने बड़े महल में आप लोगों के साथ रहना था तो मन्नी सोचा थोड़ा खुशबूदार इत्र मैं भी लगा लूं। ये परफ्यूम कहाँ से मिला तुम्हें? घर पे बनाया हुआ है, फूल पत्ती से। हमारी माँ ने सिखाया था मम्मी। आज के बाद ये परफ्यूम मत लगाना। अब जाओ यहाँ से। ये क्या हो गया तुम्हें राम? मेरी खुशबू, मेरे हाथों का स्वाद सब भूल गए तुम? अब कैसे याद दिलाओ तुम्हें मैं अपनी? कैसे कराऊ हमारे प्यार का एहसास? देख रही हूँ मैया, मैंने थारे बेटे को बिरयानी वाली इच्छा थी और इसने तो मन्ने दाल चावल भी ना समझा। उस मरी हुई सियाह के चक्कर में टेसुए वेसुए भाए जा रहे और जिंदा झुमरी की कोई परवाह नहीं। ऐसा नहीं है झुमरी, तू क्यों रो रही है इतना? सबर कर, अभी कुवरानी को मरे हुए टाइम ही कहाँ हुआ है। उसका चौथा तो हो जाने दे, फिर पांचवे दिन मारा वनराज वापस लौट के तारे पास ही आएगा। सबर तो कर। मैं क्या करूं सिया, कैसे पहुंचूं तुम तक, कैसे रहूं तुम्हारे बिना? पूरे घर में सुरानी उठाई तुम। तुम्हारी बकवास सुनने का ना तो मेरे पास टाइम। मैं कचरा खा रही हूँ। इतनी बदसूरत लड़की हो तुम। गार्ड्स, मेरे बिना जीना कैसे सीख गए तुम राम?
हमारी तो सांसें भी एक दूसरे में समाई हुई थी, हमारे दिन एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ धड़कते थे, हमारे दिल हमेशा एक दूसरे के साथ धड़कते थे, हैं और आगे भी धड़केंगे। तुम्हारी धड़कने मेरी रगों से अलग कैसे हो गई राम? हमारे तो नाम भी एक साथ लिए जाते थे, राम सिया वेद। अब यही तुम्हें याद दिलाएगा मेरी, तुम कुछ भी भूल सकते हो पर इसे नहीं। ये ब्रेसलेट हमारी पहचान थी, मुझे पूरा यकीन है कि इससे तुम्हें हमारे रिश्ते का एहसास जरूर होगा। हमारे प्यार की निशानी है ये ब्रेसलेट राम, याद करो इसे। अब ये ब्रेसलेट किसका है और उसको यहां टावल पर किसने रखा? राधा मैं से कैसे भूल सकते हो? पर तू ना लौट के आवे, थारे संग सब रंग बिरंगा, बिन तेरे ना भावे, बिन तेरे कुछ ना सुहावे। मन एक पल चैन ना आवे, मन एक पल चैन ना आवे, सजना थारे बिना ओ ढोला थारे बिना, ओ सजना थार बिना, ओ ढोला थार बिना। I was right. तुम काली नहीं सिया हो। मैं जानता था इतनी आसानी से मरने वाली नहीं थी सिया। आप क्या कह रहे थे छोटे मालिक? बकवास बंद करो अपनी। मैं जानता हूं सिया तुम हो। कोई मुंह ना खुलवाए मारा, मैं ना जानू किसी सियाविया को, मैं तो काली हूँ। कौन है वहाँ? सिया एक बहुत ही बदतमीज और बेशरम किस्म की औरत थी, हमेशा सही गलत आइडियल्स फैमिली का उदाहरण देती घूमती थी, और जिस परिवार के तम पर उछलती थी बेचारी सिया, उसी फैमिली ने उसे मार डाला। लेकिन आज एक अजीब सा चमत्कार हुआ, जो सिया मर चुकी थी आज अचानक ही मेरी आंखों के सामने आ गई। ये काला रंग, ये बाल, बहुत मेहनत करी है तुमने अपना रूप छुपाने के लिए, यहां तक कि चुड़ैल को भी झांसा दे दिया तुमने,
लेकिन दिव्यान के काले साए के नीचे तुम्हारा पर्दाफाश हो गया और ये ब्रेसलेट यूज करके तुमने साबित कर दिया कि सिया तुम हो।